प्रिय बच्चों, जैसा कि पिछले टर्म पर जो है आपको बताया गया था, अभ्यास सात में पहला क्वेश्चन निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलिए। अब उसी के अंदर इसका दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को साधारण भिन्नों में बदलो। ये दशमलव भिन्न दे दी है, इसको जो है साधारण भिन्न में बदलना है। तो अब यहाँ पर साधारण भिन्न में कैसे बदलते, इसमें दिए हुए छः पार्ट दिए हुए आपके, तो आपको हम सी और एफ करके बताएंगे। इसमें दूसरे का क्वेश्चन नंबर दो का पार्ट नंबर जो है सी है। तो 104.104 साधारण भिन्न। तो हमने तुमको पिछले इंटरव्यू बताया था दशम, सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे जितनी छोटी भिन्न हो चाहे बड़ी भिन्न हो, इसका एक फॉर्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे। इतना सभी लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हर में ये लिख लेते हैं, ये तो चाहे छोटी भिन्न हो चाहे बड़ी, सब में करना पड़ेगा, एक मौखिक तरीका है। अब हम देखते हैं संख्या में दशमलव के कितने अंक हैं, इकाई तो मिलेंगे, एक दो तीन, तो आपको तीन जीरो लगा देना। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद जो संख्या बची तो लिख देंगे, कोई कठिन कार्य नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब क्या करते हैं, संख्या कटती है, हमने देखा है इकाई के स्थान पर ये जो है चार लिखा हुआ है, यहाँ जीरो संख्या दो से राइट हो जाएगी, दो से इसको भाग कर देंगे तो पंचे दस, दो दुनी चार, जीरो पंचे दस, दो दुनी चार, इसको भी दो से काट दो, पंचे दस जीरो जीरो। फिर इसको हम ये जो संख्या हमको मिल गई, कितनी मिल गई, 52,052 बटे 5। अब हमने देखा फिर इकाई के स्थान पर देखते हैं, यहाँ दो यहाँ जीरो, फिर दो से कट रही संख्या, दो दुनी चार, दो पंचे दस, दो शून्य शून्य, फिर इसको दो से, दो दुनी चार, एक दो छः बारह हो गया जीरो, फिर दो दुनी चार, दो छः बारह हो गया, तो बारह दुना हो गया 2626 आया बटे 250 आया, फिर दो से डिवाइड हो रही है, दो एक दो, दो दुनी चार, दो पंचे दस, फिर को दो से, दो एक कम दो, द्वितिया छः जीरो, दो एक कम दो, द्वितिया छः। तो ये हमारा आंसर जो है आपको मिल गया कितना, 1013013 बटे 125, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका जो एफ पार्ट दे दिया है, एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 44.49 की साधारण भिन्न। तो आपको नियम वही लगाना है, बटे की लाइन खींच लिया, एक लिख लिया, एक लिखने के बाद में हम गिनते हैं दशमलव कितने अंक है, एक दो, दो जीरो लगा तो संख्या लिख देंगे 4449। अब ये देखते हैं कि संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो आपका यही आंसर हो गया। थैंक यू। इसके जो फेस बचे हुए हैं आप लोग घर से करेंगे अगले दिन अगला कार्य। गुरु जी बनाओ।